इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इन अ वे के एकेडमिक्स को नॉर्मली इन एक्सरसाइजेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत वीक होती है, नॉर्मली गवर्नमेंट्स अपने साइलोज में बैठ के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के इनको अपडेट करना चाहिए. इस्लामाबाद का मास्टर प्लान फॉर इंस्टेंस पिछले 60 ईयर्स से अपडेट नहीं हुआ. वाई वी नीड मास्टर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज? सिटीज ग्रो either in a planned manner or in a haphazard manner. If we see Karachi, Lahore or other such organic cities, they are growing in a haphazard manner. But Islamabad was planned first, then development was made in 1960. First of all, I must thank PIDE for organizing such a wonderful and productive debate on urban issues, especially the ongoing master planning exercise for Islamabad. When time changes, technology, new technologies arrive, new thoughts, new needs emerge, and we have to revisit the master plan for which a comprehensive exercise has been started. Ek to masla ye hai ki master plan are not able to keep the pace with the growth and dynamics of the current urban scenario. इसलिए मास्टर प्लान की बजाय हमें थोड़ी उन इंटरवेंशन की तरफ सोचना चाहिए जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, लोकलाइज्ड हो और इजी टू डू हो. तो इसमें चूँकि बहुत सारा पब्लिक फंड इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है और लोगों की लाइफ्स के बारे में हमने डिसीजन करना होता है, तो दिस होल एक्सरसाइज शुड बी वेरी वाइजली डिवाइड एंड एग्जीक्यूटेड. क्या जो नए मास्टर प्लान है इसका जो पूरा एक प्रोसेस है, इज इट डेमोक्रेटिक, इज इट पार्टिसिपेटोरी, इज इट इंक्लूसिव? बिकॉज इफ इट्स नॉट, दिस इज द राइट टाइम टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट सब्जेक्ट अप. And PIDE has done a great job bringing this topic up, and I really hope that this will lead into some fruitful exercises, and the master plan that comes out of this entire exercise will now be more inclusive.